ट्राई तो करनी पड़ेगी। गंदी, काफी गंदी, हॉरिबल है, बहुत हॉरिबल है। ऐसी बियर ऐसी नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ है मिस्टर प्रसाद। इनका रिव्यू माझा चैनल है। मेरा चैनल एक्चुअली बेसिकली है वाटर इंडस्ट्री में। हम लोग सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम अप्लायंसेस एंड वाटर प्यूरिफायर्स को रिव्यू करते हैं। तो आज मैं मैडम के साथ में कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं, रिव्यू। आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं जीरो अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो आज का हमारा चैलेंज होगा जीरो अल्कोहलिक बेवरेजेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, वेयर इज द चकना। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सा ट्राई करना चाहेंगे, आप बताइए मुझे। ये मुझे कुछ रोज नाम की कोई बियर आती है, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, तो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं। ओके, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस कंपनी होगार्डन, जिसका बियर बहुत महंगा आता है। इसका जो छोटा पॉइंट है वो महाराष्ट्र में अराउंड 250-260 रुपीज की 300 ml की छोटी बोतल आती है। बट दिस इज नॉट अल्कोहलिक बियर, दिस इज नॉन अल्कोहलिक बियर। तो ये कितने की है, इसकी प्राइस आप बताइए। ये 100 रुपीज की है, 100 रुपीज की छोटी सी, और ये 300 ml की है, 330 ml की। तो चलिए देखते हैं इसका कलर कैसा है, स्मेल कैसा है और टेस्ट कैसा है। सबसे मेन बियर में होता है उसका झाग, जिसको हम लोग फ्रॉथ बोलते हैं। होगार्डन बहुत ही फेमस बियर है। और चलिए देखते हैं स्मेल कैसी है। चीयर्स। चीयर्स। स्मेल क्या अच्छी है यार, रोज वाटर जैसी स्मेल है, गुलाब जल की जैसी स्मेल है। मुझे बियर नहीं पसंद। नहीं, स्मेल कैसी है? अच्छी है स्मेल, बट मुझे इसमें से रोज की स्मेल नहीं आ रही है। मुझे बिल्कुल रोजी स्मेल नहीं लग रही है इसकी। ओके, होगार्डन जो है वो बेसिकली बनाते हैं बियर्स अपने बेल्जियम में, तो बहुत ही फेमस कंपनी है। एक बार सिप, एक सिप लेके देखे कैसे लगती है। टेस्ट इज बेटर देन स्मेल। ओके, टेस्ट इज बेटर। रूह अफ़ज़ा लग जैसी लग रही, थोड़ी स्पार्कलिंग है। कफ सिरप पी रहे ऐसा लग रहा है। नहीं, इट्स बेटर, इट्स बेटर देन कफ सिरप। लेकिन जो लोग बियर पीते हैं वो जरूर समझेंगे इसका टेस्ट बियर जैसा। मुझे बियर की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बियर की एक सिप भी नहीं ले सकती। बट हाँ, इसकी सिप में मुझे थोड़ा टेस्ट बेटर लगा, अच्छा लगा। जब मैंने इसे स्मेल ली तो थोड़ी सी मेरे से सहन नहीं हो रही थी, बट पीने में अच्छी है, पीने में स्मेल से बेटर है। ये यहाँ पे लिखा मेड विद रास्पबेरीज, सो इसमें रास्पबेरी की थोड़ा फ्लेवर आ रहा है। बियर जो होती है वो बनती है बार्ली से, मॉल्ट से, हॉप्स से। इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल शुगर है इसमें, जो कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए, तो इट्स ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बियर की तरफ। कौन सी वाले लेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है, और हैनिकेन। एक ये हैनिकेन और एक बडवाइजर। तो बडवाइजर हम लास्ट में लेंगे, पहले ये टेस्ट करते हैं। ओके, हैनिकेन बहुत ही फेमस बियर है। तो चलिए देखते हैं इसका फ्रॉथ कैसा है। झाग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मेरे में कम डालना। क्यों? बहुत कम डालना, बस 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 बस। तो इसका फ्रॉथ काफी अच्छा है। स्मेल देख लेते हैं। सिर्फ फ्रॉथ है मेरे में, तो बियर आई नहीं है। स्मेल इसमें से बियर की स्मेल आ रही है, अच्छा। चलो लेट्स ट्राई। इसका जो इसकी स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एज कम्पेयर टू रोज वाली। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। बिल्कुल बियर जैसा नहीं लग रहा है, बहुत ही गंदी लगी। ये बहुत ज्यादा कड़वी है, बहुत गंदी है, बहुत टेस्टलेस है। इट्स टेस्टलेस ना, इसका टेस्ट खट्टा है ना मीठा है ना स्पार्कलिंग है, नहीं, सिर्फ कड़वा टेस्ट आ रहा है इसका। और बहुत ही गंदा, बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं आई ये। बियर जैसा बिल्कुल नहीं है, बियर इससे काफी अच्छी लगती है, बट कड़वी है काफी। तो आई विल नॉट गिव थम्स डाउन। बियर जैसी बिल्कुल नहीं है। तो आई फाउंड दिस वन बेटर। ये मुझे अच्छी लगी थी, मैंने एटलीस्ट 2 सिप पी इसकी। पीने का मन तो नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट बियर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट तो बियर अब क्या हमारी लास्ट बची है बडवाइजर। बड़बड़ करते हैं लोग इसको पी के, सीरियसली ये है नॉन अल्कोहलिक। चलिए देखते हैं। ओके मैं इस बार मैं डालती हूँ। यस पहले थोड़ा सा आप ट्राई कर लो। नहीं नहीं मैं बाद में ट्राई। अरे फ्रॉथ जरूर इसमें, अभी फ्रॉथलेस है। निर्वा डाल दो इसमें, बहुत सारी झाग हो जाएगी। ये फ्रॉथलेस है। अरे ये तो इसका ही भाई निकला हाइनेकेन का, सेम स्मेल लेकिन इससे सेम लग रहा है। अच्छी है, करो ट्राई। करो 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 ट्राई तो करनी पड़ेगी, गंदी है ट्राई तो करनी पड़ेगी, गंदी है, काफी गंदी है, हॉरिबल है, बहुत हॉरिबल है। ऐसी बियर ऐसी नहीं होती, बहुत कर दी है बिल्कुल। ये नीम का पानी है, सिर्फ नीम का पानी। नहीं ये... मैंने नीम उबाल के पी लिया है बस, वो ऐसा लग रहा है। वो कड़वा घूट जिसे बोलते ना, वो कड़वा घूट है, कड़वा घूट है। नहीं लेकिन धब्बा है बियर के नाम पे। बडवाइजर बहुत अच्छी बियर बनाते हैं लेकिन अल्कोहल अगर बियर से निकाल दो तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं बचता है, बहुत गंदा टेस्ट लगता है। बाप रे आई कैन नॉट ड्रिंक, हॉरिबल सीरियसली, मुझे देखिए आई कैन नॉट टेक। चलो ठीक है। तो गाइस मुझे ये तीन जो मैंने फ्रूट बियर टेस्ट की है, मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट की थी, मैं कभी बियर नहीं पीती हूँ, ये मुझे इन तीनों में बेटर लगी। बाकी मुझे नहीं पता इनको कैसे लगी, कौन सी अच्छी लगी। कोई भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये बियर पीते इसलिए। फ्रूट बियर टेस्ट करनी है तो इन तीनों में ये बेटर है। बेटर मतलब मैं बेस्ट बोलूंगी इन तीनों में, तो हम पी, हाँ एटलीस्ट हम इसे पी सकते हैं। बट ये दोनों तो बहुत कड़वी है, बियर के आसपास भी नहीं। कड़वा घूट है, जहर का घूट है, जहर का घूट। जो नाम है हाइनेकेन और जो नाम है बडवाइजर, वो नाम पे ये खरी नहीं उतरी, वो ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है। और प्राइस भी बहुत ज्यादा है, इतने में एक छोटी असली बियर की भी कॉस्ट उतनी हो जाती तो वो आ जाती थी। और मुँह में से स्मेल भी आ रही, बियर की स्मेल आ रही है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना होता है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो। अब मेरा भी चैनल है नीचे, वक्त निकाल के जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय। जय हिंद। जय हिंद।